हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ब्राइड के पांव की मेहंदी का ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। अगर आप बिगिनर हो, मेहंदी लगाना सीख रहे हो या ब्राइड पे पहली बार लगाने वाले हो, तो इसमें मैं आपके साथ सारे बेसिक टिप्स शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो एक ही टॉपिक को ध्यान से सुनना, ठीक है? और क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, क्या गलतियाँ आप कर बैठते हो ब्राइडल पे लगाने के टाइम पे, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तब आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ब्राइडल मेहंदी, हाथ की मेहंदी के टिप्स शेयर किए थे। उसमें मेरे को एक कमेंट आया था कि आपको जो है पैर की मेहंदी कैसे लगाते हैं उसका बता दो, तो ये कमेंट किया था मुझे नीतू कुमारी ने। तो मैं अपने पाँव पे आपको बताती हूँ। तो गाइज, आप जब भी ब्राइडल पे मेहंदी लगाने जाओ तो आप ज़्यादा ऊपर से बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि पाँव की मेहंदी दिखने में जितना इजी होती है उतना ही टफ होती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना होता है। मेरे पाँव फिर भी पतले हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, तो जिनके पाँव मोटे होते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आप ज़्यादा ऊपर से कवर मत करना। हाँ, कुछ ब्राइड होती हैं जिनको ज़्यादा ऊपर से लगानी होती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सीख के जाना पड़ेगा, ठीक है? तो आप मतलब पहले ही तो ये चीज़ अवॉइड ही करना, ठीक है? तो यहाँ पे आप इतना एरिया से स्टार्ट करना, क्योंकि यही एरिया जो है दिखता है। ऊपर साइड आप कोई फ्लावर ड्रॉ कर लो, कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, तो इस टाइप के आप मेहंदी यहाँ पे जो है ड्रॉ कर लो, पर बहुत ज़्यादा ऊपर से मत लेना। हाँ, अगर उनका रिकमेंड करे कि हमको इतना चाहिए, तब आप अलग बात है, ठीक है? उसके बाद आपको जो है ब्राइड मेहंदी चार पार्ट में डिवाइड करनी पड़ती है। सबसे पहले आप जो है जब ऊपर का लगा लो, कोई बॉक्स बना लो, कोई फ्लावर बना लो, वहाँ दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती है इस पार्ट पे, जहाँ पे मैं अभी मेहंदी लगा रही हूँ, इस पार्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ब्राइड की मेहंदी लगाने में, क्योंकि यहाँ पे कंफर्ट नहीं होता बिल्कुल भी। तो आपको इस टाइप से डिवाइड करना है। पहले आपको आगे का पोर्शन इस टाइप से डिवाइड करना है। यहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे थोड़ा घिचड़ मिचड़ सा मैं लगा रही हूँ, ठीक है? और इस टाइप से आपको डिवाइड करना है, क्योंकि यहीं पे जो है ब्राइड की मेहंदी में थोड़ा दिक्कत होती है। फ्रंट की मेहंदी में आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, बारीक काम करना है, बट यहाँ पे आपको मोटा मोटा काम करना है जहाँ पे अभी मैं मेहंदी लगा रही हूँ। इस टाइप से आप डिवाइड कर सकते हो, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे एक चौकर बना लो, बस यहीं पे जो है मेहंदी में जो है दिक्कत होती है। यहाँ पे आप कोई पायल टाइप की डिज़ाइन बना लो, या कोई मोटी मोटी, जितनी आप मोटी डिज़ाइन यहाँ पे बनाओगे, क्योंकि ये दिखता भी नहीं है इतना, और यहाँ पे सुंदर भी लगना चाहिए। तो इतना मतलब आपको यहाँ पे मोटा मोटा ही काम करना है। ज़्यादा बारीक काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जानी है। मेरे तो फिर भी पतले पाँव हैं, जिनके मोटे पाँव होते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इस टाइप से, यहाँ पे फिर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिस सिंपल से एक लाइन ड्रॉ करना, उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ मत करना, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको अपने दूसरे वाले पाँव पे बताती हूँ, उस पे मैंने मेहंदी लगाई हुई है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे से आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको इतना यहाँ पे तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं आपको अपना पाँव बताती हूँ, दूसरा वाला। और हाँ, जब भी आप ब्राइड पे मेहंदी लगाओ तो आपको साइड से, मतलब दोनों साइड जैसे हाथ पे करते हैं, एक शार्प लाइन खींच देनी है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है, अगर आप बहुत मतलब शुरुआत कर रहे हो तो उनके लिए ये वीडियो है। तो दोनों साइड से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ताकि वो शार्पनेस आए, एकदम क्लियरिटी आए, वो आधी अधूरी डिज़ाइन न लगे। तो ये मैं आपको दूसरा पाँव दिखा रही हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा सा मतलब ये बनाया हुआ है। मैं यहाँ पर जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने किया नहीं था क्योंकि मैं बस टाइम पास कर दी थी। तो इस साइड से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, तो कुछ इस टाइप से आपको बीच का कवर करना है, और फिर फिंगर्स में आपको जो है बारीक डिज़ाइन, जैसे आप हाथ पे करोगे उसी टाइप से कर देना, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई हो। तो उसके बाद अगर आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, मतलब जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना अच्छा आप करोगे। तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली थी, कैसी लगी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।